सब्सक्राइब कीजिए परचन राजपुताना फिल्म चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय माता जी की साहब, मैं रघुवीर सिंह राजावत कुटाया हुकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रानी के बारे में जो प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन रानी थी और क्यों वो प्रतिदिन हर दिन 1000 दीपक जलाती थी। ये रानी थी चौहान वंश की कुलवधू रानी रुद्राणी। अब आपको इतिहास के पन्नों में लिए चलता हूँ। इतिहास में चौहान वंश के अंदर एक प्रतापी शासक हुए थे गुवक द्वितीय, और इन्हीं के पुत्र हुए चंदन राज चौहान, जो स्वयं बहुत ही प्रतापी थे। ये चंदन राज वो शासक थे जिन्होंने तंवर वंश के यानी तोमर वंश के रुद्रेनपाल अर्थात रुद्रपाल को परास्त किया था। और इन्हीं चंदन राज चौहान की रानी थी रानी रुद्राणी, और रानी रुद्राणी को प्रेम से लोग आत्मप्रभावी कहा करते थे। ये रानी रुद्राणी योगिक क्रियाओं में पूर्णतः निपुण थी और इसके अलावा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। रानी रुद्राणी जो काल सर्प योग से मुक्ति पाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने काल सर्प से योग से मुक्ति पाने के लिए पुष्कर के तट पर 1000 शिवलिंग की इन्होंने स्थापना करवाई, और वहां पर अपने इष्ट महादेव को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने वहां पर प्रतिदिन 1000 दीपक जलाने का निर्णय लिया, और जीवन पर्यंत वो 1000 दीपक वहां जलाती रही। तो ऐसी थी रानी रुद्राणी। जय माता जी की साहब।